बेलापुर की नगर सेविका सुरेखा अशोक नरबागे ने छोड़ी शिवसेना, पति और कार्यकर्ताओं संग थामा बीजेपी का दामन, गणेश नाइक ने दी बधाई। बेलापुर प्रभाग 103 की नगर सेविका सुरेखा अशोक नरबागे ने आज शिवसेना को जोर का झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सुरेखा अशोक नरबागे को कमल साफा पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि लॉकडाउन से पहले शिवसेना नेताओं ने नरबागे को भ्रमित कर पार्टी से अलग कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने गलती भुलाकर बीजेपी में घर वापसी कर ली है। उन्होंने कहावत बोलते हुए कहा कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गणेश नाइक ने प्रभाग 103 के लिए सुरेखा अशोक नरबागे को फिर से उम्मीदवार बनाने का भरोसा भी दिलाया। अशोक नरबागे से ही पूछो, नई मुंबई के कई घटक लोगों ने अशोक नरबागे और सुरेखा नरबागे और कार्यकर्ताओं को गलत ढंग से उनको एक्सप्लेन किया और वो भारतीय जनता पक्ष छोड़ने के लिए उनको एक तरीके से मजबूर किया गया। उधर जाने के बाद में उनको पता चला कि भाई यहाँ पे अपने पर प्यार करने वाले कोई लोग नहीं है, अपनी सामाजिक राजकीय स्थिति को स्थिरता देने वाला इधर कोई भी नहीं है। जब उन्होंने सोचा और बाद में उन्हें मेरी उनके लफ्जों में दादा की याद आ गई, उनको मालूम है दादा ने कभी 5 पैसे का कभी ब्लैकमेलिंग करो किसको कभी बताया नहीं, किसको तरस करने वाला कुछ बात करूं, तो इस बात ये सोचने के बाद में उन्होंने हमारे लोगों से संपर्क किया और मेरे से परमिशन ली कि भाई अशोक नरबागे आना वापस चाहते हैं तो मिला ले लो, वो गए थे उतने ओके। तो अभी वो आए हैं तो उनको यानी घर वापसी आई है, जो जिसमें हिंदी में बोलते कि सुबह भुला और शाम को मिला, तो उसको भुला नहीं कहते, वो अपना घर का रास्ता उन्होंने ढूंढा, घर में आ गए, घर में स्वास्थ्य उनको मिलेगा। वहीं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता गणेश नाइक का नेतृत्व स्वीकार करने वाले नगर सेविका सुरेखा अशोक नरबागे ने कहा कि शिवसेना में जाने के बाद उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, न ही प्रभाग का कोई विकास काम हो रहा था। ऐसे में उन्हें लगा कि प्रभाग 103 का संपूर्ण विकास बीजेपी और गणेश नाइक के नेतृत्व में ही हो सकता है और इसीलिए हमने बीजेपी का दामन थामने का निर्णय लिया। हमारा गलती हो गया, हम गए, लेकिन हम उधर कोई हमको टॉर्चर नहीं किया कि हमको लगा कि हम दादा ही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि हम झोपड़पट्टी के रहने वाले तो अरे दादा सबके लिए बराबर मानते, कोई गरीब या अमीर ऐसे नहीं मानते। इसके लिए हमको लगा कि हम दादा के पास सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए हम दादा के पास जो रहेगा तो अच्छा ही निर्णय लेंगे, तो हम चुनके ही आएंगे 100% उनके आएंगे। कारण नहीं है, लेकिन जो हमारे सब साथियों ने कहा कि आप भाजपा में जाते हो तो दादा है आपके साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जाओ हम आपके सब साथ है करके हमें बोल दिया है, तो इसीलिए हम वापस आ गए। हमें पूरा विश्वास है कि हम दादा के साथ रह के पूरा काम करके हमारे वार्ड में जो काम करने का जो तरीका है वो सब अच्छा है, और हमारे लोग झोपड़पट्टी का है, हमारा एरिया झोपड़पट्टी प्लस कॉलोनी है, तो हमारे सब साथ में है, सब हमारे लोग साथ में है, तो हम उधर से अच्छा काम कर सकते हैं और दादा का हमारा पूरा सपोर्ट है। बता दें कि बीते हफ्ते ही शिवसेना ने बीजेपी के एक नगर सेवक राम आशीष यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन नरबागे को अपने खेमे में घर वापसी कराकर बीजेपी ने शिवसेना के नहले पर दहला जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।